जो है आपके लिखे हुए गाने को गाने जा रहा हूँ, इसको भी कैसा महसूस कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँ कि आज धनतेरस है, दिवाली का मौका कल आने वाला है, तो हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं और अपने अपना वक्त निकाला। मैं महाराष्ट्र स्वच्छ भारत अभियान का कन्वेनर होने के साथ साथ हमारे पास एक भारत देश की एक जिम्मेदारी है कि हम गंदगी छोड़ो एक मुहिम चला रहे हैं। अब हमने सोचा कि इस एक गीत का एक निर्माण किया जाए, गीत को शुरू किया जाए, क्योंकि अगर हम लोगों तक जाते हैं बात करने के लिए, उनको उनमें जागरूकता लाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो तकलीफ ये होती है कि कुछ लोग कुछ चीज़ पढ़ सकते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सुनने का और म्यूज़िक का एक ऐसा लेन देन है जिसकी वजह से आप सुन के उसमें जो बोला गया है उसको आप समझ सकते हो। तो ये सोचते हुए हमने कुछ छोटी सी 6 लाइन लिखी है और उस पर हमने सोचा कि अगर ये हम उसको अच्छा म्यूज़िक बनाएं इसकी और अच्छी वीडियो बनाएं, तो ये बहुत दूर तक और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा हिंदुस्तान में, और शायद हिंदुस्तान के बाहर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको हम रिलीज़ कर पाएँ। वजह उसकी ये है कि इसके जो अल्फाज हैं, इसके अंदर जो हमने कोशिश की है लोगों तक पहुंचने की, वो ये है कि हमेशा आप स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता को अपनाएं, एक जिम्मेदार नागरिक बने, ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए हमने सोचा कि बॉलीवुड के, मैं दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और हम हर साल अवार्ड भी करते हैं, तो हमने इस साल 3 स्वच्छ भारत अभियान के अच्छे लोग जो काम करेंगे, जिसका नाम हमारे पास आएगा, उनको भी हम दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स में शामिल करेंगे। 3 अवार्ड्स हमने इनकी घोषणा की है और हम बहुत जल्द उसका भी निर्माण करने वाले हैं, शायद एंड ऑफ द मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हम करेंगे इसको। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारी बॉलीवुड की, तो हमने सोचा कि इसको भी जोड़ लिया जाए कि बहुत जल्द हमको इसका एडवांटेज मिलेगा और हम ये स्वच्छ भारत अभियान को, जो हमारे कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इसको एक मुहिम बना के पेश किया है जो कि सबकी एक्चुअली ज़रूरत है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे भारतवासी इन सब को अच्छे से अपनाएं और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा भारत गंदगी मुक्त हो जाए, और ये हमारी कामना है और इसकी एक इसका एक प्रयास किया जा रहा है। गाने के लिखे हैं लिरिक्स, इसकी कुछ वर्डिंग्स दोहराना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल में पहले जावेद साहब ने हमी भरी है इस गीत को गाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमने जो लिरिक्स किए हैं और जो हम जावेद साहब उसको अपनी आवाज़ में गाएंगे, और ये जब मुकम्मल होगा मेरे ख्याल में तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें मेन इम्पॉर्टेंट बात हमने जो कोशिश की है लोगों को बताने के लिए वो ये है कि आप गंदगी से दूर रहो, क्योंकि अगर गंदगी को अपनाओगे तो इसमें मौत का साया जाएगा आपके साथ में, और हम एक ज़िम्मेदार शहरी बन के इस देश को तरक्की करने में अपना हाथ बटाएं। और ये जो हम कह रहे हैं ये मोदी साहब ने भी कहा है और ये हमारे पुराने पीर फकीरों ने भी इन बातों को दोहराया, लेकिन हमने शायद वक्त के तकाजे से इसको भूल गए, हम शायद इसको वापस याद दिला रहे हैं। और इसमें हमारा प्रयास ये होगा कि हम हमेशा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक पहलू बनाए। आपने देखा है कोरोना के महामारी में आज हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग 99.9% लोग मास्क के बगैर चल नहीं सकते, क्योंकि आदत सी हो गई है। तो इसी तरह से अगर हम गंदगी को दूर रखेंगे तो शायद इस तरह से कोई महामारी आने वाले वक्त में हमारे हिंदुस्तान पर अटैक नहीं कर पाएगी। ये हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है और हमारी जिम्मेदारी है। अली गनी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इसको म्यूज़िक डायरेक्ट किया है, म्यूज़िक डायरेक्शन उनकी है, और वीडियो के लिए हम इसको बनाना चाहेंगे, जिसके 2 फीमेल वीडियो के डायरेक्टर्स हैं, एक हनान अंसारी है और एक आफरीन पटेल है, तो इन दोनों को हम अभी जब वीडियो शूट होगा तब उनको, आज वो बिज़ी थे आ नहीं पाए, तो जब वीडियो शूटिंग शुरू होगी तो उस वक्त उनका प्रेजेंस होगा, तब हम उनको देख सकेंगे कि उन्होंने किस तरह से इसको हमने फिल्माया है, ताकि देखने से भी इंसान को समझ में आ जाए कि हमारा मैसेज क्या है। हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम गंदगी को दूर करें और स्वच्छता से अपनी ज़िंदगी को कितना आरामदायक बना सकते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एक 2 दिन का काम है हमारा इसको फाइनल करने के लिए। कोई बहुत बड़ा फिल्मी हमारा कमर्शियल गाना नहीं है, ये हमारा एक ऐसा हम बना रहे हैं जो मैसेज दे,
इसके लिए हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ है रेडी चलो और गाने का जो फील है वो बहुत फोक स्टाइल का है और इसमें थोड़ा सा ना ड्राइवर साहब फास्ट फोकस स्वच्छ भारत की जो जो चीज़ें जो बताने की हैं जो लोगों को जिस बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है वो सारी बातें इस बारे में और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना गा के। थैंक यू सो मच अली गनी भाई शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस गाने के साथ आप जुड़े और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जुड़ने के बाद गाने में एक अजीब सूफियाना एक अंदाज आ गया है कुदरत की तरफ से जो हम हमारे जहन में थी नहीं। सिंपल एक स्वच्छता के लिए गाना लेकिन स्वच्छता कोई मामूली बात नहीं होती है, स्वच्छता बहुत होती है। उसमें पूजा पाठ करते हैं तो हम स्वच्छ होकर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो हम पाक साफ होके करते हैं, तो ये कुदरत की तरफ से ऐसा एक इस गाने में एक ऐसा सिलसिला बन चुका है कि इनके गाने में वो सारी बातें आ गई कि स्वच्छ भारत और स्वच्छता क्या चीज़ है, पाकिस्तान क्या चीज़ है, इनकी गायकी में भी वो गाने के अंदर चली आई है। मैं ये समझता हूँ कि ना हर इंसान को ये पता है कि स्वच्छता ज़रूरी है और अगर हर मजहब में ये बात सिखाई जाती है स्वच्छता और सफाई जो है वो सबसे बड़ा ईमान है, पहला ईमान है, पहला दर्जा है, तो हर इंसान को इस बारे में अवेयर होने की जरूरत है। अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है तो सबको पता ही है, लेकिन थोड़ी सी एक अगर इस पर ध्यान दें तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है और अगर हम इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे और इस चीज़ पर ध्यान देंगे और ज़्यादा गहराई की तरफ ध्यान देंगे तो स्वच्छता से कितनी सारी बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें। म्यूजिक कितना इंस्पायरिंग होता है जब आप म्यूजिक क्या होता है कि लोगों के नज़दीक तक पहुँचता है, लोगों के दिलों तक पहुँचती है, आँखों से देखते हैं तो दिल में उतरती है, कानों से सुनते हैं तो भी दिल में उतरती है, तो दोनों चीज़ों का सहारा दिया जाता है। विजुअल्स भी इतने ज़रूरी है एक मैसेज देने के लिए जितना गाना ज़रूरी है, दोनों का एक तालमेल बहुत अच्छा बन के आएगा और बहुत ज़रूरी है म्यूजिक वीडियो के जरिए एक संदेश पहुँचा। मेरी आवाज़ है, मेरे कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं अभी तो वो यूज़ करेंगे, पर इसमें भी सेलिब्रिटी पावर होता है कि अगर कोई संदेश देना है सोशल पावर तो हमें सेलिब्रिटी पावर चाहिए, बड़े स्टार चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे उनके शुरू करने के पहले मैं एक और टिप्स दे दूँ। आज बहुत ही अच्छा दिन रहा क्योंकि दीपावली की हमारे भारत में बहुत ज़्यादा अहमियत भी है, धनतेरस है आज और आज जुमा का दिन भी है, ये दोनों मिलाप जो आज हम बोलते हैं ना कि अपने दिल से गंदगी निकालो और प्यार मोहब्बत अपने दिल में ले आओ, ये संदेश। और आप जो सेलिब्रिटी की बात बोलते हैं ना, मैं आपसे मेरे दिल की बात कहूँगा कि ये कुदरती बात है, ये ईश्वर की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि आज जावेद साहब ने वक्त दिया, उन्होंने आके जो गाया है, एक गाना एक जगह होता है जो मैंने सुना है, मैंने आज सही में कहूँ इस गाने के अंदर एक रूह को इंटर कर दिया है, मुझको पूरा यकीन है कि इसको कोई रोक नहीं सकता, इस चीज़ को लोगों पर पहुँचाने के लिए हमारा जो हमारी जो जद्दोजहद है इसको कोई रोक नहीं सकता, इसमें हमें पूरा यकीन है। सर आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए इस बात को लेके, ये आप जैसे पूछ रहे थे कि सेलिब्रिटी का होना, मेरे ख्याल में आवाज़ हमारे बोल और लोगों तक पहुँचाने की जो जद्दोजहद है उसमें जावेद साहब ने एक जान डाल दी है अपने रूहानी तरीके से, तो आई एम सो प्लीज एंड आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। जावेद साहब के आने से वो सेलिब्रिटी भी तो आ गई हमारे पास गाने के अंदर, है ना, और गाने में जो चीज़ चाहिए थी वही चीज़ हो गई, हम बहुत खुश हैं एज ए म्यूजिक कंपोजर जो हमने इसमें काम किया है, हमें हमने जो गाना बनाया
खान साहब ने जो गाना लिखा तो हमारे पूरे इस गाने को जावेद साहब ने बताया, उनके गाने के बाद जो है हमें बहुत सुकून और हमें बड़ा इत्मीनान और सब्र हुआ है कि हम जो चाहते थे वैसा हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक सिंगर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए उसका जो कंपोज़र है वो खुश है, और अगर वो खुश है तो सब खुश है। वाह वाह, सबसे पहला अपना फाइन। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को जब ये मैसेज पहुँचेगा, ये पता आएगा, तो ऑटोमेटिकली लोग खुश होंगे, क्योंकि जो क्रिएटर है वो सबसे पहले खुश होगा। जो माहौल है कोरोना वाला, जो अनलॉक हो रहा है, उसके चलते हर कोई इंसान जो सेलिब्रिटी का नाम है परेशान हो रहा है। तो जब आप परेशान होते हो या फिर आप कभी लाइफ में लो फील करते हो, तो इस सिचुएशन से आप किस तरह से डील करते हो? लेकिन मैं बहुत, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और तो स्वाभाविक बात है। और मैं बहुत एक अच्छा म्यूजिक सुनता हूँ, पॉजिटिव लोगों में रहना पसंद करता हूँ। जो लोग नेगेटिव होते हैं मैं उनके साथ कभी नहीं रहता, तो पॉजिटिविटी के साथ में मैं रहता हूँ। और पॉजिटिव लोगों में जब आप रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो शाखाएं हैं वो आपके तरफ भी आती हैं, इसलिए मैं पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहता हूँ। और अच्छा म्यूज़िक, तो अच्छा म्यूज़िक में कौन से कोई दो लाइनें सुनाना पसंद करेंगे? अच्छा म्यूज़िक में मैं क्लासिकल सुनता हूँ, फोक सुनता हूँ, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को मैं सुनता हूँ, उस्ताद अमीर खुसर अमीर खान साहब को सुनता हूँ, या फोक में ये जैसे खुसर साहब को मैं सुनता हूँ। खुसर साहब सूफियाना अगर म्यूजिक की बात करें, खुसर साहब का नाम ना आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ, कभी कुछ वेस्टर्न भी मैं सुन लेता हूँ। तो वो सब जैसा मूड होता है आपको, क्या सुनने का मूड है तो वो हिसाब से मैं सुनता हूँ। गाना नहीं, क्लासिकल में तो गाना होगा नहीं, क्योंकि वो तो क्लासिकल हैवी क्लासिकल होगा, तो वो ज़्यादा वो तो सुना नहीं सकते। फिल्मों का कोई या कोई गजल में कोई दो लाइन? गजल में एक गाना मुझे बहुत पसंद है, वो उसकी दो लाइन सुना, वो लता जी का गाया हुआ है। मैं दिवाली के लिए जितने भी लोग हैं हमारे चाहने वाले, जितने भी दुनिया भर के लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको दिल से दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, और आपकी दिवाली मंगलमय हो। और ये जो वक्त इतना कठिन वक्त गुजरा है वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छा हो, और हम पूरी अपनी पूरी शिद्दत के साथ में पहले की जो ज़िंदगी गुजारते थे उस ज़िंदगी में वापस आ जाए हम सभी। आज की जो रिकॉर्डिंग हुई उसके वर्डिंग्स कुछ गाने पसंद करेंगे? उसकी वर्डिंग्स तो मुझे अभी अब करो तुम फैसला, गंदगी को दूर करना है, स्वच्छता से रहना है और गंदगी से डरना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। Thank you.